क्या क्या रहेगा इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आज जो पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 3 के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे उसका नाम होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट लिखा है, इसको फाइटा भी कह सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे लीवर व्हाट, ये कहाँ होते हैं, आज इसको अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। लीवर व्हाट है। और तीसरा मांस, इसके बारे में हम लोग आज थिंक करेंगे। पहले बता दें कि जो ब्रायोफाइटा होता है, देख लो, नम स्थानों पर पाया जाता है, पहाड़ों पर पाया जाता है, जल में भी कुछ पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वह ब्रायोफाइटा प्राय इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, यानी जल स्थल चर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि किस वर्ग के जो पौधे होते हैं उसे हम लोग जल स्थल चर कहते हैं, तो आप याद रखेंगे ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे जल में पाए जाते हैं, कुछ पौधे स्थल पर पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, जल स्थल भी कहते हैं। किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा के। यह भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, जल के अंदर भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए हम इसको ये कहते हैं। हालांकि इनके अंदर जनन जो होता है, लैंगिक जनन अगर है तो जल के अंदर ही लैंगिक जनन होता है। जल के अंदर ही क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। आपको बता दें कि ये छायादार, जहाँ नमी रहता है उस स्थान पर भी पाए जाते हैं। हालांकि इनके माने जो शरीर माने पादप होते हैं, जो शरीर की बनावट होती है वह शैवाल की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। ये सीधा होते हैं, ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। हालांकि अगर देखें तो इसके पौधों में जो ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसके मूल, तना और जो पत्तियां होती है अलग अलग नहीं पाई जाती, सब एक ही में होती है। माने इसमें क्या होता है, जैसे आम के पौधा होता है तो आप कहते हैं कि तना है, ये जड़ है, ये पत्ती है, सब अलग अलग होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में जितने भी पौधे होते हैं, जड़, तना, पत्ती सब एक ही में होता है, आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते। ये भी कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के जो जनक होते हैं अगुणित होते हैं, युग्मक भी बनाते हैं। ये युग्मक माने जानते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, माने युग्मक मिलते हैं और इस क्रिया को युग्मक भेद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं, याद रखना। ब्रायोफाइटा में जो नर लैंगिक जो गुण होता है, जो नर लैंगिक भाग होता है उसको पुंधानी कहते हैं, और जो स्त्री अंग जनन अंग होता है उसको स्त्रीधारी कहते हैं। यह फ्लास्क आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है, पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। पुमंग कौन छोड़ता है, पुमंग नर का एक भाग होता है, याद रखेंगे, वो पानी में छोड़ देता है और ये स्तधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिससे कार्य युग्मक बनता है। माने जो पुमंग होता है ना, जो माने नर वाले ब्रायोफाइटा होते हैं, अपने पुमंग को पानी में छोड़ देते हैं, फिर कहीं स्त्री है घूमती घूमती आती है, उसको संपर्क में आती है तो वहाँ पर निषेचन हो जाता है और फिर वहाँ युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मक मतलब जायगोट का निर्माण हो जाता है। युग्मक में तुरंत निम्नीकरण विभाजन नहीं होता है, इसमें देरी से विभाजन होता है, इस तरीके से उसमें लैंगिक जनन का क्रिया संपन्न हो जाती है। हालांकि ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं, अब मान लो कि पत्ती, जड़, तना सब एक ही में है, तो ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं कम माने उपयोगी होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत अधिक उपयोग नहीं है। हालांकि कुछ माने ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं जिसका हम लोग प्रयोग शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं उसका प्रयोग सब्जी बनाने में या विभिन्न प्रकार के भोजन के रूप में करते हैं, जैसे मांस, मांस का प्रयोग जो जंतु होते हैं उसको खाने में करते हैं। अस्फेगम नम की कुछ स्पेजित होती है जिसे कोयला
मान कुछ ऐसे ब्रायफाइटा होते हैं जो कि कोयला के निर्माण में सहायता करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने जीवन में बाढ़ को रोकने के लिए करते हैं। ब्रायफाइटा कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जहाँ पर अगर लगा दिया जाता है तो बाढ़ जो पानी तेज़ी से आता है तो पानी का निदान, आप पढ़े भी होंगे कि पेड़ पौधे भी पानी के और मिट्टी के कटाव में योगदान देते हैं, माने चाहते हैं कि पेड़ जो मिट्टी के कटाव ना हो, रोकने का प्रयास पूरा करते हैं। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव जो चट्टानों पर उगते हैं। मांस का नाम सुने ना, मांस एक ब्रायफाइटा पौधा है जो कि चट्टानों पर उगता है, पत्थरों के ऊपर उगता है। हालांकि इसका कोई महत्व भी है, जिन चट्टानों पर उगता है वहाँ के चट्टानों को मिट्टी बना देता है, और फिर मिट्टी जब बनता है तो यही मिट्टी बह के जाती है और फिर मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास करती है। फिर ब्रायफाइटा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक लीवर वाटोरिका आता है मांस। ये सब डिस्कशन था ब्रायफाइटा के बारे में, कुछ समझे हो? हाँ, अब इसके बारे में देखो, ब्रायफाइटा देख लो, ब्रायफाइटा के सदस्य नम स्थानों पर स्थल पर और जल में भी पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे जल स्थल पौधा भी कहा जाता है। ये पौधे पहाड़ियों पर भी उगते हैं, ये पौधे पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं। अब लिखना पुन धान किसे कहते यार है? लिख लेना कि ब्रायोफाइटा के नर जनन अंग को पुन धानी कहते हैं। उसके बाद से स्त्री धानी, तो लिखना ब्रायोफाइटा के मादा जनन अंग को पुंधानी कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं। अगर कल आपसे पूछा जाए तो बता देंगे सब, बायोलॉजी में तो बच्चे बहुत तेज होते हैं सब, क्योंकि बहुत ही इजी विषय है ये। आप लिख रहे ना, ब्रायफाइटा में लैंगिक जनन, ब्रायफाइटा में जनन, देखना ब्रायफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है। ब्रायफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है।
नर तथा लिखना तथा यह जनन की क्रिया जल में समाप्त होती है। इसमें उमंग को नर जनन अंग द्वारा नर जनन अंग द्वारा ऊपर में मिटा देते हैं, जल में छोड़ दिया जाता है, जल में छोड़ दिया जाता है और जब स्त्री जननन इसके संपर्क में आती है और जब स्त्री जनन अंग इसके संपर्क में आती है तो जनन की क्रिया संपन्न हो जाता है। तो जनन की क्रिया नीचे वाला सब लिख लियो। तो जनन की क्रिया संपन्न हो जाता है। तथा युग्मनज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है युग्मनज का। आगे के लोग प्राय फाइटा के महत्व बायो फाइटा का महत्व लेकिन ना प्राय फाइटा के हमारी जिंदगी में बहुत महत्व नहीं लेकिन फिर भी महत्व है। बायो फाइटे के फाइटा का हमारे जीवन में बहुत महत्व नहीं है लेकिन कुछ महत्व है पहला कुछ जंतु ब्रायफाइटा को ब्रायफाइटा के पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मांस लिख दें दूसरा इसके महत्व में ब्रायफाइटा है। कुछ पौधे का उपयोग मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है। तीसरा लेकिन प्राय पाठा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो
ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ग्रेफाइटा का कुछ पौधों का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। क्या कहोगे? देखो लीवर वाट के बारे में कहोगे कि जो लीवर वाट पौधा होता है ये ब्रायफाइटा के एक भाग होता है। ये नम स्थानों पर, पहाड़ों पर, जमीन पर और पेड़ पौधे के ऊपर ये लीवर वाट के पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है। जो अलैंगिक जनन होता है विखंडन के द्वारा होता है। सबसे पहले जो जनक पौधा होता है, जो माता पिता पौधे होते हैं, उसमें एक कली निकलती है और फिर वह कली अनुकूल परिस्थिति आने पर विकसित होती है। विकसित होकर के फिर अपने मातृ कोशिका से अलग होती है, फिर मातृ कोशिका से अलग होकर के फिर एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसमें लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं और फिर युग्मज का निर्माण होता है। और इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो छोटा सा हेडिंग था, लिखते हैं। लीवर वाट के बारे में लिख लो। लीवर वाट के पौधे प्राय लीवर वाट के पौधे प्राय नम स्थानों पर, नदियों के किनारे छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। लीवर वाट की पादप काय थैलस सब होती है, यानी इसमें थैलस पाए जाते हैं। थैलस को मतलब जमीन पर चिपके रहते हैं। लिख लें लीवर वाट के पौधे थैला साब होते हैं। यह जमीन के ऊपर चिपके रहते हैं। हालांकि ये तना पत्ती या जड़ में विकसित नहीं होता है। यह तना पत्ती और मूल के रूप में विकसित नहीं होता है। आप बता सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी पत्तीदार पत्तियों की तरह संरचनाएं पाई जाती है जो अनेक कतारों में आपको दिखाई देगी। देख रहे हो ना, यही है, देख रहे हो पत्तियों में कैसे दिखाई दे रही है कतारों की तरह। सब याद कर लेना, ये सब देख लो। इन पौधों में पत्ते की तरह अनेक संरचनाएं दिखाई देती। अब लिख लो लीवर वाट में जनन। आप बता सकते हैं कि लीवर वाट में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। लीवर वाट में
लाएंगे तथा लाएंगे दोनों प्रकार के जल होता है, दोनों प्रकार का होते हैं जनन। अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। इसमें मात्र कोशिका में से एक कली निकलती है, कली निकलती है और वह कली अलग होकर एक नया पौधा का निर्माण करती है। ये छोटा सा लीवर वाद के बारे में जो आप बता सकते हैं कैसे कैसे जन्म होता है इसमें। देखो जाना है कि लीवर वाद के पौधों में प्राय मोटे अस्तर पाए जाते हैं, निकलो लीवर वाट के पौधों में एक मोटा सीटा तथा कैप्सूल होता है, सीटा कैप्सूल सील होता है। मियोसिस जिसको आप सूत्र विभाजन कहते हैं, मियोसिस के क्रिया के बाद, क्रिया के बाद कैप्स्यूल से स्पोर बनते हैं, स्पोर बनते हैं और फिर स्पोर से अंकुरण का निर्माण होता है और नए पौधे का निर्माण। नए पौधे का होते हैं स्पोर में, जब स्पोर बनेंगे तभी। तो देखो आज का अंतिम हेडिंग में है जिसका नाम है मास। कहेंगे जो मास होता है, ये भी मास तो समझ लो ब्रायोफाइटा के एक भाग होता है। ये भी नम स्थानों पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। हालांकि इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर सब्जियों के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में। जो मांस पौधा होता है इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है और इसमें भी विखंडन और मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन में क्या होता है कि जनक के पास, आप फाइटा में पड़े होंगे, जनक के पास एक मुकुल निकलता है और धीरे धीरे बड़ा होकर के नए पौधे का क्या करता है। यह नम स्थानों, पहाड़ों और नदियों के किनारे पाया जाता है। नदियों के किनारे कहाँ होता है,
यह जड़, तना और पत्ती में विकसित नहीं होता, विकसित नहीं होता। अगला मास में चल इसमें लैंगिक जनन होता है। रुका एक मिनट, चलो इसमें अलैंगिक जनन होता है। आगे लिखना अलैंगिक जनन किसके द्वारा भाई? विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें जनक कोशिका से एक मुकुल निकलता तथा बाद में बड़ा होकर एक नया पौधा का निर्माण कर देता है। उदाहरण में लिख लेना फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम इत्यादि। इस तरीके से आज